أكبر الله أكبر الله أكبر الله आज काफ़ी दिनों बाद दुबई का मौसम अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है और इस टाइम ऑफिस का टाइम क्लोज़ हो रहा है और लोग भागम भाग लगे हुए हैं और मैं यहाँ खड़ी अभी सिर्फ वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे फुरकान लेने नहीं आए। आज वेट करना बुरा नहीं लग रहा, आज मौसम अच्छा है तो मैं इसीलिए वेट आराम सुकून से वेट कर रही हूँ। मौसम अच्छा है, सामने मेरी बिल्डिंग के सामने बुर्ज खलीफा भी दिखता है और इस टाइम यहाँ पे इतना रश होता है यहाँ से जहाँ से आपने आधा घंटे में घर पहुँचना हो ना आप सवा घंटे में घर पहुँचते हो, यहाँ पे इतना रश है। और बस मुझे लग रहा है फुरकान भी बस आने वाले हैं। आज दुबई का मौसम अच्छा है और आज मेरा घर जाने का प्लान नहीं है, नहीं आई थिंक ये वेदर मौसम चेक करें ऐसा लग रहा है नॉर्दर्न एरियाज में रश बढ़ता ही जा रहा है और मैं स्टिल वेटिंग। और यहाँ पे जा रहे हैं हम घर और बारिश हो रही है और रश बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बार बार सिग्नल रुक रहे थे और सिग्नल पे बार बार रुक रहे थे, बहुत ही मुश्किल से हम लोग जहाँ पे हमें आधा घंटे में घर पहुँचना था वहाँ पे हम 2 घंटों पे बमुश्किल घर पहुँचे थे।
यहाँ पे बहुत मुश्किल से हम लोगों ने रास्ता निकाला है और अभी हम निकल रहे हैं। यहाँ जगह जगह पे सिग्नल्स ऑफ हो रहे हैं, रुकना पड़ा है, रश बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे इस टाइम छुट्टी के टाइम वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बंदा थका हुआ आता है। और फिर यहाँ पे ट्रैफिक इतनी, इस टाइम सारे ऑफिस ऑफ और होते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। इसके वजह से हमने बहुत मुश्किल से रास्ता निकाल के निकले हैं वहाँ से। मौसम अच्छा था, कोई इतना बुरा नहीं लग रहा था आज वेट करना भी। खैर है, ये सारा बिजनेस पे है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, तो जब एकदम छुट्टी का टाइम होगा तो जाहिर सी बात है इतना सारा रश बढ़ जाएगा। और यहाँ पे बारिश हो रही थी, और कुछ किस्मती से ही दुबई का मौसम अच्छा होता है, ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, और बस अच्छा सफ़र गुजर गया। लेकिन मूड था जल्दी पहुँचे घर, तो कहीं बाहर निकलेंगे, लेकिन हम इतना लेट पहुँचे। उसके बाद फिर जाके घर में खाना वगैरह बनाना और फिर बाहर जाने का भी टाइम बहुत मुश्किल मिला था। यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर बिल्डिंग की एक अलग से शेप है। यहाँ पे बिजनेस पे में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनकी अलग से अलग एक अट्रैक्शन है। आप एक बिल्डिंग को छोड़ोगे वही दूसरी जल्दी से इसकी वीडियो बन जाए। यहाँ पे हर जगह पे एक अलग अलग बिल्डिंग है। क्या करता है उसका बंदा पूछा? नो एंड फाइनली हम अपने रूट की तरफ रेडी रवाना करना होने लगे हैं। जल्दी से डिस्कवरी टर्न लिया है कहाँ और निकलना है, यहाँ रूम पे में थोड़ा क्या सा है? ट्रैफिक कम था और आगे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, वो नज़र आएगा वीडियो में। और बारिश होने लग पड़ी थी, ऐसे रात होने लग पड़ी, मौसम इतना अच्छा हो गया था, ऐसा लगा कि रात हो गई है यहाँ पे। आप भी मेरे साथ साथ रेडियो को भी साथ एंजॉय करें, अच्छे मौसम को भी साथ साथ एंजॉय करें। मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा जब से वीडियो बनानी है, मैंने हर जगह जहाँ पे देखा ज़्यादा बादल है, बारिश बरसने का मूड है, तो मैंने वहाँ वहाँ पे जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन करके वीडियो बनाई है। क्योंकि बहुत ही अरसे बाद जब से मैं यहाँ पे दुबई आई हूँ, पहली दफ़ा मैंने बाहर इस तरह मौसम देखा है, जब से वरना गर्मी ही बढ़ रही है।
सेंटर तक ये ट्रैफिक आपको मिलता रहेगा दुबई फ्री जाते हुए। और अगर आप जाए इलेवन तक शार्प जाए इधर और आप एयर सिटी सेंटर के सामने तो आप बुरी तरह से स्टॉक होंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक है। चौक ब्लॉक ट्रैफिक मुझे दिखाई दे रहा है, सिर्फ ब्राउन लाइन्स मुझे दिखाई दे रही है इस ट्रैफिक में। सो इलेवन तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एंड ये पूरे रास्ते रहेगा। और रेडियो हमें सारा एफएम रेडियो बिल्कुल बता रहा है कि आगे मौसम कैसा है, कौन कौन से रोड ब्लॉक्स हैं और आपको कहाँ कहाँ ट्रैफिक मिलेगी। तो हम साथ साथ अपडेट भी ले रहे थे, मौसम भी अच्छा था। ये देखें हम ट्रैफिक की ट्रैफिक है हर जगह, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी, लेकिन हमारा दूसरा रूट है इसलिए हम सीधा ही अपने रूट की तरफ निकल गए। लेकिन आगे भी जाके हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था और काफ़ी देर वहाँ पर दिमाग दुख रहा था कि वहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि हम शुरू से इतना वेट करते हैं, इतना वेट करते हैं ना, बंदा एंड पे आके जब इतना रश दिखता है थक जाता है तो बस अब जहाँ से निकल जाए। और फिर हम फाइनली पहुँचते हुए थे, काफ़ी वेट भी पहुँचते थे, ये फिर में देखे हम निकले हम रात वो भी थी जाते जाते। फाइनली हमें यहाँ पे रात शाम के निकले हुए, हमें यहाँ पे रात पड़ गई है। सब बादलों की वजह से थोड़ा थोड़ा रोशनी दिख रही थी, अदरवाइज यहाँ पे रात हो चुकी थी हमें आते आते। और अभी सिर्फ हम अपने एरिया में ऐड हो चुके हैं, सामने ये सामने हमारी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे भी मौसम आउट क्लास था और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और उसको जिसको मैंने जगह जगह पे जाके उसको मैंने कैप्चर किया है, तो कोई मेरा अच्छा व्यू ज़बरदस्त व्यू मौसम अच्छे के लिहाज से कोई व्यू रह ना जाए। और फिर हमारा मूड बना था बाहर जाने का, तो हम सही काफ़ी लेट खाना वगैरह बना कर खा के ये एक प्लेस देखी थी, फिर ओपन ही देखा तो मौसम अच्छा था, तो फिर हम यहाँ पे बाहर आए थे। यहाँ पे चाय ऑर्डर की थी चाय, लेकिन बहुत ही फजूल थी, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने पी है। और खाना वगैरह हम घर से खा के क्योंकि हम लोगों ने सुबह से ही प्लान किया था खाना ये खाना, तो ये प्रिपेयर करके वही बनाया था, वही ओपन एरिया था, तो बाहर बैठने का भी आज अच्छा मौसम था। काफ़ी सारे लोग आ रहे थे यहाँ पे, रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था आस्ता आस्ता। और फिर हम लोग निकल गए थे चलते यहाँ से, क्योंकि थक गए थे सुबह की और ट्रैफिक इतनी जाम थी, बहुत मुश्किल से घर पहुँचे, घर जाके भी काम किए और फिर बाहर से चाय पी और घर जाके सो गए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आई थिंक और मेरे काम का कोई